लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम गलियारे भी चर्चाओं से अब भरे पड़े हैं। हर जगह अब चर्चा चल रही है कि इस बार कौन से उम्मीदवार उतरेंगे, कौन सा उम्मीदवार है लोकप्रिय और कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो जनता की असल में सुनेगा, जनता के विकास के लिए सोचेगा। और ये सारे मुद्दे आम गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वीडियोस के जरिए मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं कांग्रेस और बीजेपी से कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नाम राजनीतिक गलियारों में तो चल ही रहा है, लेकिन आम गलियारों में, आम जनता की चौपाटी की जो चर्चाएं हैं उनमें भी चल रहा है, और कौन है उनकी पहली पसंद या फिर कांग्रेस और बीजेपी पर पड़ेंगे भारी निर्दलीय उम्मीदवार, सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में, इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की बेहद ही लोकप्रिय और रोचक सीट की, जो है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट। अब इस सीट पर उम्मीदवारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं कांग्रेस से उम्मीदवार, और कांग्रेस में कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है इस क्षेत्र में वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सही समझा आपने, सचिन पायलट सबके लिए पहली पसंद बने हुए हैं इस सीट में कांग्रेस से। पायलट को जब ये सर्वे किया गया तो सर्वे का आधार मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस आधार पर लोगों ने इन्हें पसंद किया। युवा नेता होना चाहिए, आपके विकास का काम कर सकता है नहीं, इतना उनको भरोसा होना चाहिए। और ये जो पॉइंटर्स हैं द जनता के लिए, तो उन्होंने इन पॉइंट्स के आधार पर सचिन पायलट को पहली पसंद के तौर पर पसंद किया है। और सचिन पायलट वैसे भी कांग्रेस के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, युवा चेहरा हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस भी हैं, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि बाहर भी स्टार प्रचारक के रूप में ये कांग्रेस के लिए जाते रहे हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि सचिन पायलट को 56% वोट मिले हैं लोगों की। जब पसंद पूछी गई इस सर्वे में तो 56% लोगों ने एक तरफा सचिन पायलट को पसंद किया है। और अगर इस क्षेत्र से पायलट चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं लोकसभा का, तो उनकी जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़ते हैं अगले दूसरे नंबर की तरफ। तो कांग्रेस की जब बात कर रहे हैं हम, तो कांग्रेस की ही उम्मीदवारी देख पा रहे हैं आप कि दूसरे नंबर पर दो नेता हैं, एक तरफ है हरीश मीणा, दूसरी तरफ है नमो नारायण मीणा। और इनको देखकर आप बता सकते हैं कि जो दौसा टोंक सवाई माधोपुर की जब हम लोकसभा सीट की बात करते हैं तो वैसे भी वो गुर्जर और मीणा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, और वहां पर जातिगत समीकरणों को अगर देखें तो पायलट भी उसमें सबसे अव्वल इसलिए है क्योंकि वहां का जो मोस्ट ज्यादा प्रतिशत जो हिस्सा है आबादी का वो उन्हें ही चुनेगा। बाकी मीणाओं की बात करें, अगर जातिगत समीकरणों की बात करें, तो उसमें हरीश मीणा भी लोगों की पसंद बने हैं और नमो नारायण मीणा भी। दोनों को जो वोट मिले हैं वो है 26%, 26% लोगों की पसंद बने हैं हरीश मीणा और नमो नारायण मीणा। लेकिन पहली पसंद की जब बात की जाती है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही हैं। अब इस सर्वे में आगे बढ़ते हैं और सर्वे में 5% वोट मिले हैं टीकाराम मीणा को। तो ये जो नाम है जो राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम गलियारों में भी चल रहे हैं, लोग अपनी पसंद खुलकर बता रहे हैं, खुलकर अपने मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, और उन्होंने उसी चेहरे पर भरोसा जताया है जिसको वो सोचते हैं कि अगर हम इनको चुनकर हमारे लिए आगे भेजते हैं तो ये हमारी समस्याएं सुनेंगे, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और इन सारे मुद्दों के आधार पर जो पसंद है, जो सर्वे किया गया है, वो मैं आपको दिखा रही हूं। तो ये थे कांग्रेस के वो चेहरे जिन पर चर्चाएं चल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं बीजेपी की तरफ, और लेकिन टोंक सवाई माधोपुर की ही बात करें, पायलट को कहां से सबसे ज्यादा पसंद किया गया है ये मैं आपको बता दूं पहले। पायलट को मालपुरा सीट से सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट मिले हैं, 60% वोट। तो आप देख सकते हैं कि पायलट की पहुंच कहां तक पहुंच गई है और लोग इनको बेहद पसंद कर रहे हैं। अगर इनको टोंक क्षेत्र से उतारा जाता है, टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र से, तो किरोड़ी लाल के लिए भी ये मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि वो दौसा से हैं और दौसा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर भी गुर्जर और मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में कड़ी टक्कर हो सकती है। बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी से टोंक सवाई माधोपुर के लिए सुखवीर सिंह जौनपुरिया
पहली पसंद बने हैं लोगों की। सुखबीर सिंह जौनपुरिया अभी हाल ही में कितने आक्रामक दिखाई दे रहे हैं वो आप सभी को पता है। ट्विटर पर इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कभी किसी को डांटते हुए, कभी किसी को फटकारते हुए, कभी किसी को टारगेट करके भाषण देते हुए। और जौनपुरिया भी गुर्जर समाज से ही आते हैं और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पक्षधर हैं उन लोगों की पहली पसंद अभी भी जौनपुरिया ही है। उन्होंने जौनपुरिया पर भी विश्वास जताया है, दोबारा से ये पहली पसंद बने हुए हैं लोगों की। अगर हम दूसरे नंबर के कैंडिडेट की बात करें तो सीताराम पोसवाल का नाम भी चल रहा है लोगों की पसंद के आधार पर। इन्हें दूसरा नंबर मिला है अभी तक जो सर्वे किया गया है उसमें। इन्हें 23% वोट मिले हैं जनता के और जनता इन पर भी भरोसा जता रही है, क्योंकि जो पसंद का पैरामीटर है उसमें है युवा नेता, ये युवा नेता भी हैं और कहीं ना कहीं क्षेत्र में रहने के कारण इनको क्षेत्र की समस्याओं का ज्ञान भी है और लोगों ने इन पर इसीलिए भरोसा जताया है कि उन्हें उम्मीद है कि ये चेहरा उनका काम कर सकता है, उनके क्षेत्र का विकास कर सकता है। और जो अगला नाम चल रहा है वो बहुत ही अप्रत्याशित है, जी हाँ, सौम्या गुर्जर। हालांकि खुद तो कहती हैं कि अभी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आंतरिक खबरें आ रही हैं, अंदर की खबरें आ रही हैं, उसमें सौम्या गुर्जर का नाम भी टोंक सवाई माधोपुर इलाके से चल रहा है। लेकिन इनके नाम पर जब सर्वे किया गया तो 14% वोट ही इनको मिल पाए, लोगों को कम भरोसा है इनके चेहरे पर। हालांकि ये जातिगत समीकरणों को देखते हुए तो सही है, लेकिन जब बात की जाती है आप भरोसे की, तो भरोसे के जो पैरामीटर है वो ये है कि जब क्षेत्र में आप रहते ही नहीं है तो आपको उस क्षेत्र की समस्याओं का ज्ञान नहीं है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा काफी प्रमुखता से उठा था कि स्थानीय ही होना चाहिए वो नेता जो कैंडिडेट बनकर उभर रहे हैं और जो वोट मांगने आ रहे हैं, जो पैराशूट प्रत्याशी हैं उन पर बहुत कम भरोसा जताया गया था। तो ये सारे वो चेहरे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम जनता के चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके बाद एक और नाम है जो राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम जनता के बीच में काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है निर्दलीय चेहरे के रूप में, और वो है नरेश मीणा। जी हाँ, सही सुना आपने, नरेश मीणा भी कांग्रेस और बीजेपी के सारे समीकरणों को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। और जिस तरह से मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं इसीलिए आपको कमेंट्स करने के लिए कहती हूँ क्योंकि आपके कमेंट्स देखकर समझ में आता है कि आप जहाँ रह रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्योंकि आम जनता से जुड़ाव का इससे बड़ा माध्यम और कोई नहीं हो सकता, इसीलिए नरेश मीणा के जो पक्षधर हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी आवाज उठा रहे हैं। प्लस नरेश मीणा ने खुद भी कह दिया है कि अगर मैं निर्दलीय उतर गया तो जीत तो मेरी सुनिश्चित है ही। और जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों से एक हवा दिखाई दे रही है, जो रुख बदल रही है, वो है निर्दलीय चेहरों की जीत के रूप में, और नरेश मीणा भी उसी में आते हैं। उनको कहीं ना कहीं अब भरोसा हो गया है, विश्वास हो गया है कि अगर वो भी चुनाव में उतरते हैं तो लोगों का प्यार उनको मिलेगा। और निर्दलीय चेहरे के रूप में जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी उतरे थे, जिस तरह से और भी कई कैंडिडेट थे विधानसभा चुनाव में जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, उसी तरह से नरेश मीणा भी कांग्रेस और बीजेपी को बड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब देखना है, वाकई में दिलचस्प होगा कि इन चेहरों में से किस पर भरोसा जताती हैं पार्टियां और कैसे निर्दलीय उनको चुनौती दे पाते हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको कौन सा चेहरा विश्वसनीय लगता है, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से अगर आ रहे हैं तो आप भी बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है इन चेहरों के बारे में। और इन चेहरों के अलावा भी कोई ऐसा चेहरा है जो दमदार तरीके से इनको चुनौती दे सकता है तो उसका नाम लिखना ना भूलिएगा। मैं कमेंट्स में देखूंगी आपकी राय कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आम जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता का फैसला इन पार्टियों को झक मारकर मानना ही पड़ता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। सो डोंट हेजिटेट, ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।